अबे काशिफ, क्या टाइम पास कर रहे हो? टाइम पास ही करूंगा यार आज का। अच्छा पिंजरा जो है वो माशाल्लाह से कंप्लीट हो गया, बजीस का वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। नहीं नहीं बाहर नहीं आना है। अरे अरे निकल गया भाई, निकल गया। ये तो काशिफ बहुत लेट आया आज भी है। काशिफ दिल भरिए लग रहा है तुम्हारा, इतना बड़ा पिंजरा बना के है। यहाँ पे जो है ना पूरा हमें मैदान से मिल गया है, समझ ले मुर्गियों के लिए। अब आप लोग मुझे कमेंट्स में ये मशवरा देंगे। इसको मुझे अंडे आए हैं भाई, अंडे आए हैं। अरे माशाल्लाह। एक चीज और, मैंने अपनी बैटरी जो पहले वहां पे लगी हुई थी उसको मैंने निकाल के यहाँ पे लगाया हुआ है, और इसके मैंने यहाँ पे क्यों लगाया हुआ है इसकी बेसिकली। अब मुझे ये चीज फाइंड आउट करनी है कि ड्रामा के साथ जो उसके एग्स हैं वुमन ब्लैक के, क्या वो फर्टाइल है कि नहीं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों हमारा मास्टर केज जो है वो यहाँ से भी नजर आ रहा है, क्या आप देख सकते हैं। अब तो ये विंडो जो है वो खुल रही है हमारे मास्टर केज के अंदर। तो यहाँ पे भाई अपडेट हम लेते पहले वुमन ब्लैक की, और वेदर भी चेक करेंगे भाई वेदर कैसा हो रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह वेदर बड़ा खूबसूरत हो रहा है, धूप भी आ रही है भाई प्रॉपर माशाल्लाह से। और ये हमने जो खिड़की निकाली है ना भाई, इसका फायदा ये होगा कि हमें माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी धूप आ रही है यहाँ पे। तो लोमन ब्लैक्स हमारी क्या कर रही हैं। हाँ भाई फीड इनकी मौजूद है, पानी इनका ऐड करना है, और माशाल्लाह माशाल्लाह तीनों जो है वो हेल्दी एंड एक्टिव है। नहीं नहीं बाहर नहीं आना है। अरे अरे निकल गया भाई, निकल गया। ये तो क्या हो गया तुम्हें, बाहर घूमने की क्या पड़ी हुई है भाई, ये तुमने क्या करा है? चलो शाबाश, उधर जाओ उधर जाओ। ये क्या करा है आपने, इतनी होशियारी, जाओ शाबाश। ऐसी क्या जल्दी हो रही है बाहर जाने की, शाबाश। चले भाई ये वापस आ गए। अच्छा इनका जो है वो चावल का छिलका ऑलमोस्ट जो है वो ख़त्म हो गया है। ये देखे भाई सब गीला हो रहा है। अच्छा ये अच्छी बात है, स्मेल नहीं है इधर ये बिल्कुल भी, बट ये कि चावल का छिलका काफ़ी ख़त्म हो गया है, इनको ऐड करना पड़ेगा। बाकी आज जो है वो इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे अपने मास्टर केज को हम, और हमारे जो नीचे की पट्टियाँ रह गई ये लगानी है। इसके अलावा भाई इसका गेट बनाना है, गेट की जाली लगानी है, फिर इंशाल्लाह हमारा मास्टर केज कंप्लीट है। अच्छा एक चीज़ मैं और ये सोच रहा हूँ कि यहाँ पे जो है ना मैं एक जाली लगा दूँ, बल्कि ये इसकी जो अंदर की चादर है वो लोहे की है, तो उसमें मैं जाली वेल्ड कर देता हूँ, ताकि अगर वेंटिलेशन के लिए खोलना हो तो उसको खोल भी सके और मुर्गियों को देख भी सकते हैं। वैसे वहाँ से ना यहाँ पे खिड़की भी मिल गई बड़ी अच्छी। और यहाँ पे जो है ना पूरा हमें मैदान से मिल गया है, समझ ले मुर्गियों के लिए। अब आप लोग मुझे कमेंट्स में ये मशवरा देंगे, इसको मुझे पार्टीशन करना चाहिए, इसको मैं बिल्कुल ओपन ही रखूँ, क्योंकि बेसिकली मैं सोच रहा हूँ अगर चूज़े जितने भी आते रहे ना तो मैं इनको यहाँ पे छोड़ता रहूँ, और ये चूज़ों की समझ लें पूरा पूरा एक मैदान सा बन जाए, छोटे बड़े सारे यहाँ पे मिक्स हो जाए। तो इस तरह का बेसिकली मेरा प्लान है। अगर आप के कोई अच्छे सजेशन होंगे तो उसके हिसाब से फिर इसको जैसे मैनेज कर लूँगा इंशाल्लाह कर देंगे। तो ये वाला जो है अभी सुनसान है भाई, इसको जो है आबाद करना है, और इसको आबाद करेंगे। मैं सोच रहा हूँ आज इसको आबाद कर ही नहीं, क्योंकि अब प्रोटेक्शन तो हमारी माशाल्लाह से हो गई है, छत हमारी डल चुकी है। तो मैं सोच रहा हूँ आज जो है यहाँ पे जो पुराना इनका सिस्टम था लोमन ब्राउन्स का, वो यहाँ पे हम लोग दोबारा एक्टिवेट कर देते हैं पुराने सिस्टम को, और अभी चल के लोमन ब्राउन्स की जो अपडेट लेते हैं। लोमन ब्राउन्स क्या कह रही है भाई, यहाँ पे मौजूद है। फीड इनकी नहीं आई थी, खत्म हो गई है फीड, मुझे ऐड करनी है। सुबह मैंने फीड इनको दे दी थी, और सुबह इन्होंने फीड काफ़ी हद तक खा ली है। हाँ भाई क्या हाल है आपके, सब खैरियत है? अच्छा भाई बारिश के बाद जो है वो एक अच्छी तरीके से नज़र डाल लेते हैं अपनी मुर्गियों पे, क्योंकि काफ़ी हैवी रेन जो है इन्होंने जो है वो बर्दाश्त की है। और इसके बाद अगर इनकी कंडीशन मैं चेक करूं तो माशाल्लाह माशाल्लाह सारी जो है वो हेल्दी एंड एक्टिव है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सारे जो बर्ड्स हैं माशाल्लाह से सेफ हैं, ये आप देख सकते हैं। अच्छा आज जो है वो पानी में इनको क्या ऐड करना है, आज इनको पानी में हमने ऐड करना है मल्टीविटामिन्स का पानी। और यहाँ पे पानी क्यों रुका है? अच्छा ये सुबह सफाई हुई होगी ना, उसका पानी रुका हुआ है, तो मल्टीविटामिन्स का पानी इंशाल्लाह ऐड करेंगे। और अभी अंडे मैं चेक करूँ, अभी इसका हटाने की ज़रूरत है कि नहीं। वेदर क्या बता रहा है, वेदर तो ये बता रहा है कि हल्के फुलके बादल हैं, और समझ लें कि गहरे बादल नहीं है, हल्के फुलके बादल हैं। तो मैं भी इसको लगे रहने देता हूँ, अंडों को मैं यहीं से चेक कर लेता हूँ सुबह सुबह कितने अंडे आए हैं। अंडे आए हैं भाई, अंडे आए हैं। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह 6 अंडे आ गए भाई, 6 अंडे आ गए। तो भाई सुबह ही सुबह जो है वो 6 अंडे आ चुके, और मैं ये समझ रहा था, कल मैंने जिक्र भी किया था कि ये डिस्टर्बेंस हुई है से मुर्गियों के एगलिंग में कोई मसला हुआ है, बट थोड़ी देर बाद जो है वो उसी ब्लॉग में जो है वो मैंने 6 अंडे भी आते हुए देख लिए थे लोमन ब्राउन्स के। तो आज ही माशाल्लाह से 6 अंडे आए हैं, तो भाई माशाल्लाह से एगलिंग इनकी प्रॉपर चल रही है मुर्गियों की, ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं हुई। तो अभी मैं इनको फीड ऐड करता हूँ और पानी बनाता हूँ सबका, फिर इंशाल्लाह ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। ये देखे भाई चूज़ा कहाँ सैर कर रहा है, चलो भाई नीचे जाओ नीचे जाओ। अरे 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 कहाँ भाई कहाँ। अच्छा भाई दोस्तों सबका मल्टीविटामिन्स का पानी मैंने बना लिया, और सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं हम चूज़ों से भाई, चूज़ों को ऐड करने जा रहे हैं मल्टीविटामिन्स का पानी। आ जाओ भाई पी लो पानी सब मिलके, और आराम और सुकून से रशनी लगाना। ये चेक करें भाई माशाल्लाह, और छोटे वालों के लिए यहाँ पे ऐड कर देते हैं। तो ये आ गया भाई माशाल्लाह माशाल्लाह से, और ये बफ का देखें भाई माशाल्लाह माशाल्लाह ब्लैक वाला,
कितना बड़ा हो गया चूजा माशाल्लाह। और इसको तकरीबन जो है वो 40 दिन हो गए इस चूजे को, तकरीबन हाँ 40 दिन हो गए। ये चेक करें भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह काफ़ी बड़ा हो गया। और छोटे वाले हमारे क्या कर रहे हो भाई, एक ये है और ब्लैक वन कहाँ गए, ब्लैक वन ये रे, ब्लैक वन ये चेक करें छोटे वाले। अच्छा मुझे रिजल्ट चेक करना है बेसिकली, कल जो मैंने छिलका डाला है, छिलका नहीं है, कल मैंने क्या डाला है, लकड़ी का बुरादा जो डाला है मैंने, इसका रिजल्ट चेक करना है भाई। काफ़ी हद तक ड्राई है ये, तो मुझे भाई कुछ परमानेंट जो है ना इसका बंदोबस्त करना पड़ेगा लकड़ी के बुरादे का। तो इसका मैं क्या बंदोबस्त करूँ, मुझे फिर ये जो लकड़ी वालों की शॉप्स होती है ना, अभी काम होता है कारपेंटर की शॉप्स, वहाँ पे मुझे आगे ये बात करनी पड़ेगी उनसे कि भाई मुझे इस तरह का जो है ना मोटा वाला चाहिए। बारीक वाला तो मेरे पास भी है, बारीक वाले की ज़रूरत नहीं है मुझे, मोटे वाले की ज़रूरत है। तो इस तरह का मुझे लाना पड़ेगा। इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है दोस्तों, बहुत औसम इसका रिजल्ट है। और अभी आप देखें माशाल्लाह कितनी ज़्यादा यहाँ पे माशाल्लाह चूज़ों की क्वांटिटी है, और बिल्कुल जो है ये जगह ड्राई चल रही है और बिल्कुल भी स्मेल नहीं है। बाकी भाई चूज़ों की पोजीशन ये है कि भाई माशाल्लाह हमारे चूज़े सारे माशाल्लाह हेल्दी एंड एक्टिव है। तो इसको कर देते हैं बंद। बाकी लोमन ब्राउन्स को भी पानी ऐड करते हैं। लोमन ब्राउन्स का पानी कौन सा है, ये है, इनका पानी हमेशा बनता है ज़्यादा क्योंकि ये है माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा। तो आ जाओ भाई, बेचैन हो रही है पानी के लिए, बाहर नहीं आना है, अंदर ही पानी पीना है आपने, और अंदर ही पानी पीना है। आ जाओ इधर आ जाओ, शाबाश, यहाँ पर पानी पीना है। अच्छा भाई फीड बिन की मैं ऐड कर दूँ, चेक करें भाई माशाल्लाह माशाल्लाह। चले भाई लोमन ब्लैक्स का पानी आ रहा है, हाँ ये हाइट सही है भाई माशाल्लाह। और ये देखिए भाई मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ और यहाँ पे भी मुझे ऊपर शेड मिल रहा है माशाल्लाह से, तो काफ़ी अच्छी प्रोटेक्शन हो गई है। और रूस्टर देखे भाई हमारा माशाल्लाह। अच्छा इसके अभी तक कांटे भी नहीं आए, ये आप चेक करें, बिल्कुल यंग है ये, और इसके अभी तक कांटे भी नहीं आए माशाल्लाह माशाल्लाह, काफ़ी यंग है भाई ये। अच्छा अभी मुझे एक काम ये करना है कि भाई इसको मुझे फिक्स करना है। बाकी दोस्तों खूबसूरत और क्लाउडी वेदर में, ये आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत क्लाउडी वेदर है। इसमें मैं सोच रहा हूँ एक अपडेट ले लूँ सोलर की, कि भाई हमारे सोलर पैनल जो है वो क्या बिजली बना रहे हैं इस टाइम पे, और पैनल ए जो है जिनको का वो बना रहा है 160 वाट्स, और पैनल बी जो है लॉन्जी का वो बना रहा है 136 वाट। तो अभी भी भाई जिनको जो है वो आगे चल रहा है, और वेदर कंडीशन में जो है जिनको का पैनल जो बायोफिशियल पैनल है बहुत अच्छी जो है प्रोग्रेस दे रहा है। तो ये कि क्लाउडी वेदर में दो पैनल से जो है ना मुझे अच्छी जो है वो पावर जनरेशन मिली है। पहले एक होता था तो मुझे बैकअप का इशू आता था। अच्छा एक चीज़ और, मैंने अपनी बैटरी जो पहले वहाँ पे लगी हुई थी उसको मैंने निकाल के यहाँ पे लगाया हुआ है, और इसके मैंने यहाँ पे क्यों लगाया हुआ है, इसकी बेसिकली इसका थोड़ा सा बैकअप मुझे कम लग रहा था, तो मैंने सोचा कि इसको थोड़ा सा इसका इसको बैटरी को उठाया जाए और इसका बैकअप जो है वो थोड़ा सा बढ़ाया जाए। तो उसके लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ, उम्मीद है कि इंशाल्लाह कुछ कामयाबी मिलेगी इसमें। बाकी जो प्रोसेस मैंने अडॉप्ट किया है, जब अगर इसका बैकअप पड़ा तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगा कि क्या ऐसे स्टेप्स हैं अगर हमको फॉलो करें तो हम एक बैटरी का जो है बैकअप बढ़ा सकते हैं। तो फिलहाल अभी जो है वो इसको मैंने इक्वलाइजेशन पे लगाया हुआ है, इक्वलाइजेशन के बाद मैं इसका रिजल्ट चेक करूंगा कि बैटरी का बैकअप कितना बढ़ा है। अच्छा भाई दोस्तों आज कुछ भी हो मुझे जो है वो बजीज का पिंजरा कंप्लीट करना है, और इसमें रहता है गैस में रहता कुछ भी नहीं है, बस इसमें यहाँ पे एक गेट लगाना है मुझे, और बस अंदर जो है वो इसकी एसेसरीज वगैरह लगानी है। बाकी पिंजरा जो है माशाल्लाह से कम्प्लीट ही है ये, और मटकियाँ लगा के जो है वो बजीज को यहाँ पे शिफ्ट करना है। तो अब मैंने बोल तो दिया ये बात, अब देखें मैं कम्प्लीट करता हूँ कि नहीं, बाहर इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगा कि आज इसको कम्प्लीट करके बजीज को भी हम यहाँ पे शिफ्ट करें, और इसकी पोजीशन जो है वो डिसाइड करेंगे इसको कहाँ रखना है। मैंने जो डिसाइड किया मैंने ये डिसाइड किया इसको मैं यहाँ पे हैंग करूंगा, तो भाई इस पर वर्किंग करनी है आज इंशाल्लाह। बाकी काफ़ी दिन हो गए दोस्तों कोई पौधों की अपडेट नहीं आई, और पौधों की अपडेट ये है कि भाई माशाल्लाह कैसे खिल गए ये बारिश के बाद, ये पत्ते आप चेक करें भाई माशाल्लाह। और गुलाब की दो तीन पत्तियां हमने चेक करी थी, गुलाब निकलना शुरू हुए थे मगर निकल नहीं पाए मुझे लग रहा है, ये देखें भाई ये यहीं के यहीं रुके हुए, और काफ़ी दिन पहले मैंने ये चीज़ चेक करी थी कि यहाँ पे जो है वो कलियाँ आई हुई थी बट गुलाब निकला नहीं इसमें। ये देखें भाई माशाल्लाह से ये खिले हुए, और ये मुझे इसमें से घास एक्स्ट्रा निकालनी है गुलाब में से, और ये भी माशाल्लाह से काफ़ी हरा भरा हो रहा है, और जो मुर्गियों ने इनका बुरा हाल किया था तो काफ़ी हद तक बेहतर है अभी। बाकी ये जो है भाई हमारे ख़त्म हो चुके हैं, ये आप देख सकते हैं भाई गेंदे के फूल ऑलमोस्ट जो है वो ख़त्म हो गए ये पौधे, ये भी और ये भी, एक जो है फूल इसमें लाइव है बट बाकी जो है वो ख़त्म हो चुके हैं। तो पानी के तो खैर मसला नहीं था क्योंकि दो तीन दिन से वैसी बारिश हो रही है, तो पानी इनको मिल रहा था माशाल्लाह से। अच्छा इनकी क्या पोजीशन है, ये तो वो था कौन सा था ये तो वो था सलाद पत्ते वाला था, और सलाद पत्ते में से दोबारा सलाद पत्ता निकलना शुरू हो गया। ये जो है वो सनफ्लावर का था, छोटा सनफ्लावर, और ये टमाटर का था। तो ये इनकी पोजीशन है भाई, यहाँ पे मुझे दोबारा पौधे लगाने पड़ेंगे, और पौधों के लिए जो है वो दोबारा से जो है वो वर्किंग करनी पड़ेगी क्योंकि इनका जो है वो सारा सिस्टम जो है वो बिगड़ा हुआ है। ये वाला सही है, काफ़ी हद तक बेहतर है, बट ये वाला जो है वो काफ़ी डाउन हो चुका है। अभी बजीज के अपडेट ले रहे हैं, काफ़ी दिन हो गए। बजीज क्या कह रहे हैं भाई, बजीज ये कह रहे हैं कि भाई जो हम फीमेल्स हैं, फीमेल्स की जो ब्राउन नोज हो रही थी स्टिल वो ब्राउन नोज ही है, और फीमेल जो है वो जाना भी शुरू हो गई थी
मटकी में, जिसकी वजह से मैंने पिंजरा बनाना शुरू किया था। तो इंशाल्लाह आज जो है कोशिश करेंगे इनको ऐड करें। और ये वाला मेल जो है दोस्तों माशाल्लाह बहुत खूबसूरत हो रहा है, ये पीछे वाला जो है ग्रे वाला, और काफ़ी जो है माशाल्लाह इसका हेड जो है माशाल्लाह काफ़ी बड़ा हो रहा है, और सही जैसे कहते हैं ना किंग साइज में जा रहा है ये माशाल्लाह। अच्छा भाई दोस्तों काशिफ की भी एंट्री हो गई है। अबे काशिफ क्या टाइम पास कर रहे हो? टाइम पास ही करूँगा यार, आज का काम तो हो गया भाई। अब मेन काम पे आना है, जरा ये करना है। सही है, शीटें काट के देनी है, लाइट आ जाए जरा। सही है। अच्छा दूसरा ये कि वो तोतों का पिंजरा कंप्लीट करना है आज, वो ऐसे ही पड़ा हुआ यार तोतों को। पहले तोतों को कर लेते, अब तक लाइट आएगी फिर ये शुरू कर देंगे ना, शीटें काटनी है ना। तो फिर वो असल में लाइट आएगी, फिर मुझे दरवाजे भी बनाने, क्योंकि दरवाजे बनते मेरे ये टेबल सॉ पे, तो टेबल सॉ को जो है वो पावर ज्यादा चाहिए होती है उसके लिए जो है वो, तो लाइट का इंतजार करना है हमने। और आज जो है इंशाल्लाह काशिफ कंप्लीट करके आना ही पिंजरा हमने आज। ये वो उसमें कुछ भी नहीं है काम, वो तो हो सकता है शायद मैं ही कर लूँ, वो तो मैं खुद ही निपटा दूंगा इंशाल्लाह। तो ये तो पक्की शीट है, ये जो आप काट रहे हो एक नंबर शीट है भाई, ये एक ही पीस कटा है। अच्छा ये तुमने ये बनाया ये है? हाँ, कट पीस में बना रहे हो, तो अभी तो एक ही कट पीस निकाला है तुमने। तो भाई अभी दोस्तों ये सीन है कि अभी काम जो है वो समझ शुरू हुआ है, काशिफ बहुत लेट आया आज भी है। काशिफ दिल भरिया लग रहा है तुम्हारा, इतना बड़ा पिंजरा बना गया है। अच्छा बिट चाहिए, चलो मैंने अपनी मुर्गियों की अपडेट ले भाई, गेट पे ही खड़ी नहीं है भाई, इतनी बड़ी जगह है वहाँ घूमो फिरो जरा। अच्छा भाई दोस्तों एक चीज़ जो है ना, एक चीज़ मुझे अभी फाइंड आउट करनी है, वो ये कि जो ब्राह्मा के साथ मैंने ये रखी हुई है ना वुमन ब्लैक्स, इनके अंडे भी मैंने भी इंक्यूबेटर में रखे हुए, तो 5-6 दिन तो उसको हो गए। अब मुझे ये चीज़ फाइंड आउट करनी है कि ब्राह्मा के साथ जो उसके एग्स हैं वुमन ब्लैक के, क्या वो फर्टाइल हैं कि नहीं, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो मैं चाह रहा हूँ 1-2 दिन और गुजर जाए, फिर इंशाल्लाह फिर चेक करूँगा कि ये अंडे इनके जो आ रहे हैं ब्रामा रूस्टर से वो फर्टाइल है कि नहीं, तो मैं कल या परसों इंशाल्लाह चेक करूंगा। भाई काशिफ लाइटिंग भी आज कंप्लीट करनी है इनकी। हाँ तो चैनल भी जाना ना, मेन बोर्ड पे जो है ना लाइटिंग उतारनी है, और आज जो है वो काशिफ ने लाइट लगाने का प्रोग्राम किया ना काशिफ, तो भाई आए लेट हो ना, तो लाइट नाइट लगवाएंगे, कंप्लीट करना ना पिंजरा आज हो जाएगा, नाइट से पहले हो जाएगा, अभी देखते चले सुबह क्या खबर मिलती है पिंजरे के हवाले से। असल में काशी मैं चाह रहा हूँ कल रंग स्टार्ट करवा दूँ, रियाज आएगा ना तो मैं रियाज से कलर स्टार्ट करवा दूंगा इस पे। लाइट कलर की चाल दे देंगे सारी, पीस काट देना ये नीचे के, चाल तो ये लाइटिंग भी कम्प्लीट हो जाए ना। अच्छा चलो मैं चैनल भी ले आऊंगा। सही है, ये प्लानिंग हमारी हो गई है आज की, देखते भाई काशी करके जाते हैं कि नहीं, कल खबर मिल जाएगी। अच्छा भाई दोस्तों शाम की एक अपडेट ले लें चूज़ों की, हमारे चूज़े क्या कर रहे हैं और लकड़ी का बुरादा इनका क्या कर रहा है। लकड़ी के बुरादे की अपडेट ये है कि गीला तो ये जगह भी हुई है, ये देखें भाई ये जगह भी गीली हुई है, बट इतनी ज़्यादा नहीं है। कल जो चावल का छिलका था ना वो पका था, वो तो काफ़ी ज़्यादा गीला हुआ हुआ था, क्योंकि अब जाहिर सी बात है ये जगह कम है और यहाँ पर बर्ड्स माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा हो गए, तो ये थोड़ा सा इशू आ रहा है। फीड ख़त्म हो गई, मैं फीड ऐड करूँगी। अभी तक इनकी जो है वो ज़ीरो साइज की फीड ही चल रही है, तो सभी फीड इनकी ऐड हो गई है, वो कुछ ज़्यादा ही भर गई है फीड ऊपर तक। अच्छा ये जो है ना फीड इनकी अब एक दिन ही चल रही है, मतलब ये कि जो मैं इसको भर रहा हूँ ना बाउल को, तो ये एक ही दिन चल रहा है, क्योंकि माशाल्लाह से चूज़े काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं, और समझ लें कि ये एक ही दिन चल पा रहा है इतना बड़ा जो है वो इनका फीड का बकेट। तो भाई माशाल्लाह माशाल्लाह से सब हेल्दी और एक्टिव है और भरपूर तरीके से माशाल्लाह से फीड खा रहे हैं ये माशाल्लाह। ये है छोटा वाला, ये मेरा फेवरेट चूज़ा है माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत पसंद है भाई मुझे ये माशाल्लाह। अच्छा भाई दोस्तों इस वक्त जो है हमने दो पट्टियाँ निकाल ली हैं 11-11 इंच की, और ये हमने अच्छी वाली जो है वो प्लाई जो है इस्तेमाल कर रहे हैं, सब भारी वाली पौने की। दोस्तों हम किस पर्पज़ के लिए काट रहे हैं, ये जो हमने यहाँ पे पीसेस लगाने इसके लिए हमने ये पट्टी काटी है, और काफ़ी लंबा पीस है, तकरीबन 12.5 फिट का जो है टोटल लेंथ आ रही है। तो अब इसको जो है वो मुझे अपनी टेबल सॉ से काटना है, दो बड़े पीस निकाल लिए हैं, अब इसको टेबल सॉ से जो है वो जो छोटी छोटी इसके पीसेस निकालने वो मैं निकाल लेता हूँ। अच्छा भाई दोस्तों पहला पीस कट गया है, और ज़रा देखते हैं कि इसकी पैमाइश क्या आ रही है।
थोड़ा सा मैंने इसको बड़ा ही काटा है ताकि ये ठुकता हुआ जाए बिल्कुल। और ये यहाँ से थोड़ा सा जो है वो थोड़ा सा पीस जो है बाहर निकल रहा है, तो इसको अच्छी तरीके से ठुकते हुए मैंने बिठाना है। दोस्तों मैं ये फिटिंग चाह रहा था और माशाल्लाह से आप देख सकते हैं ये क्या बेहतरीन फिटिंग आई है। और अब एक तो इसकी अपनी मजबूती हो गई यहाँ पे, और फिर हम दूसरा यहाँ पे स्क्रूज कर देंगे इसको, और फिर यहाँ से जो है वो हम जाली को पक्का कर देंगे। तो अब इसी पैटर्न पे जो है वो हमने ये सारी कटिंग करके लगानी है। अच्छा भाई दोस्तों, काम कहाँ तक पहुँचा, अपडेट ये है कि भाई ये तो मैंने लगा दी है, मतलब काशिप ने लगा दी है, मैंने इस फिक्स करके दे दी है काशिप को, और ये भी फिक्स हो गई है, ये वाली भी फिक्स हो गई है, ये वाली भी फिक्स हो गई है, और इसको मैंने जो है वो लगा के दे दिया, इसमें बस स्क्रू लगाने। तो भाई यहाँ की जो है ना ये जितनी भी बॉर्डर था ना इसका, ये सारे कंप्लीट हो गए हैं, और अब जो है वो सिर्फ दो दरवाजे रह गए हैं। असल में सीन ये है कि लाइट जो है वो जाने वाली 8 बजे, तो इस वक्त जो है वो क्या टाइम हो रहा है, इस वक्त टाइम हो रहा है तकरीबन 7:45 होने वाले, और मुझे दो दरवाजे भी बनाने और मुझे कुछ कटिंग करनी है बजीज के पिंजरे के लिए। तो अभी मैं बजीज के पिंजरे को कम्प्लीट करने के लिए जा रहा हूँ, और मुझे लग रहा है कि सिर्फ एक दरवाज़ा बनाने का शायद मुझे मौका मिलेगा आज, क्योंकि 8 बजे लाइट जाएगी तो फिर वो आएगी 11 बजे। अच्छा भाई दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल आखिर टाइम पे जो है वो लकड़ियाँ हमारी बिल्कुल कट चुकी हैं, और 8 जो है वो बज गए हैं, किसी वक्त भी जो है वो लाइट जाने वाली है। अच्छा ये जो है वो दरवाजे की मैंने सारी लकड़ियाँ काट ली हैं, ये फ्रेम है इसका, और इसका बाकी ये डिज़ाइन की जो है लकड़ियाँ हैं, तो बस जैसे इसको मुझे असम्बल करना है। ओहो कंप्रेसर तो मैंने चलाया ही नहीं, कंप्रेसर, अरे लाइट ना चली जाए, अरे 2 मिनट लाइट और आ जाए बस, कंप्रेसर जो है मेरा फुल हो जाए, ये एक मुझे याद नहीं रहा भाई। तो चला भाई देखते कितनी देर लाइट रहती है। तो बहरहाल मेन जो काम था ना वो लकड़ियाँ काटने का था, वो अल्हम्दुलिल्लाह हो गया, बस मैं इसकी दरवाजे के सामने स्टार्ट करता हूँ। बाकी भाई काशिफ भी काम की अपडेट ले लेते हैं। काशिफ हो गया? हाँ ये हो गया कंप्लीट। अच्छा भाई ये देखें सारी जो है वो ये लग गई है, मतलब ये हमारी जो बॉर्डर है ये लग चुका है, और इसमें जो है वो काशिफ ने ये जाली भी फिक्स कर दी है, और यहाँ से जो है वो ये लुक आया है, इस तरफ से भी भाई ये फिक्स हो गया है। तो माशाल्लाह से भाई काफ़ी हद तक पिंजरा हमारा कम्प्लीट हो गया, बस ये एक दरवाज़ा रह गया, इसी दरवाजे को मैं अभी बना रहा हूँ, और इसकी कटिंग हुई है, ये दरवाज़ा जो है वो रह गया है, अगर सुबह टाइम मिला तो इंशाल्लाह सुबह इसकी कटिंग करूँगा मैं, तो फिर ये पिंजरा इंशाल्लाह कम्प्लीट हो जाएगा। बाकी अभी इलेक्ट्रिकल का काम फिर मैं काशिफ से शुरू करवा देता हूँ, ताकि फिर मैं ये फुट वर्किंग का काम मैं करता रहूँ, और काशिफ जो इलेक्ट्रिकल का काम करता रहे, तो जितना मैक्सिमम काम हम खींच सकते हैं वो खींच लें। तो भाई लाइट जो है वो जा चुकी है, और 8:05 पर लड़ गई है, तो बचा तो भाई, मगर कंप्रेसर नहीं भर पाया भाई, कंप्रेसर नहीं भर पाया, तो ये मसला हो गया। तो उसको UPS पे अब चलाने की कोशिश करता हूँ। नहीं UPS जो है इसका लोड नहीं उठा रहा। चलो मैं सोचते हैं कंप्रेसर का क्या करना है, क्योंकि फ्रेम जो मुझे लगाना है वो कंप्रेसर से ही लगाना है, तो ये बस थोड़ा सा एक मसला हो गया। अच्छा भाई दोस्तों, कल रात में सीन ये हुआ कि मास्टर केज का काम कंप्लीट नहीं हो पाया, दरवाजे जो हमारे रह गए, ये वाला भी रह गया, वो वाला भी रह गया। अच्छा काशिफ से मैंने जो है वो चैनल पट्टी का सारा काम करवा लिया, ये आप देख सकते हैं ये होती हुई आ रही है चैनल पट्टी, और ये अंदर जा रही है, और ये यहाँ तक भी आ गई है। तो ये इलेक्ट्रिकल का माशाल्लाह से सारा काम हो गया, सिर्फ दरवाजे रह गए। दरवाजे क्यों रह गए, वही कंप्रेसर का मसला आ गया था, रात को 8 बजे लाइट चली गई, कंप्रेसर मेरा चार्ज नहीं हो पाया था, जिसकी वजह से जो है वो ये मेरा दरवाजे का काम रह गया, फिर रात को फिर मैंने काम छोड़ दिया था। अच्छा पिंजरा जो है वो माशाल्लाह से कंप्लीट हो गया बजीज का, वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो ये देखिए भाई माशाल्लाह से पिंजरा हमारा कंप्लीट हो चुका है ये। अच्छा ये बस डोर रह गया था इसका, ये मैंने लगा दिया है, और इसके अंदर जो है वो एक मैंने ट्रे दे दी है, प्लाई की ट्रे है ये भी, इस तरीके से कुछ ये ट्रे जो है वो स्लाइड हो सकती है, यानी कि जब सफाई वगैरह करनी हो तो हम इसको बाहर निकाल लेंगे और उसकी सफाई कर लेंगे, और अंदर जो है वो जाली तो लगी हुई है, इसके अंदर बेस में जाली मौजूद है, और इसको वापस जो है वो हम ट्रे को अंदर कर देंगे। तो ये इसका जो है वो बजी इसका सिंपल मैकेनिज्म है, और माशाल्लाह से कंप्लीट हो चुका है, सिर्फ इसमें कलर करना बाकी है। तो आज रियाज आएगा, तो इंशाल्लाह रियाज से इसको मैं कलर करवा दूंगा। तो ये थी भाई आज की अपडेट, और मेरी कोशिश ये थी कि बजीज के पिंजरे को कंप्लीट करना है, तो अल्हम्दुलिल्लाह बजीज का पिंजरा कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों ये था आज का ब्लॉग, आई होप आप लोगों को पसंद आएगा, वीडियो पसंद आए तो कमेंट इसको लाइक कर दो, अगर आप चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए याद दीजिए, अल्लाह हाफिज़।